आपका इंडियन फैमिली में मैं आपके साथ विजय आ रहा हूँ। बांदा जनपद की गैस एजेंसियां गैस सिलेंडरों के वितरण के काम में लापरवाही बरत रही हैं। आदेश के बावजूद नगर के रिहायशी इलाकों में गैस एजेंसी संचालकों की मनमानी जारी है। गैस कंपनियों के डीलर आबादी वाले इलाकों में जहां तहां गाड़ियां खड़ी कर सिलेंडरों का वितरण कर रही हैं। रिहायशी इलाकों के आसपास गैस सिलेंडर भूसे के ढेर की तरह एकत्र कर वितरण करने में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे निपटने के लिए वितरण स्थल पर एजेंसियों द्वारा सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि बांदा नगर में संचालित आराधना इंडियन गैस सर्विस पेट्रोलियम कंपनी के नियमों को दरकिनार कर गैस सिलेंडर वितरण में मनमानी कर रिहायशी इलाकों में गैस वितरण का कार्य कर रही है। साथ ही गैस सिलेंडर वितरण में इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम नदारद रहते हैं, जिसके कारण आज बांदा जिले में एक बड़ी घटना होते होते बाल बाल बची। आपको बता दें कि आराधना इंडियन गैस सर्विस बांदा जिले के आवास विकास स्थित LIC के पीछे से उपभोक्ताओं को सिलेंडरों का वितरण कर रही थी। तभी आवासीय मैदान स्थित बगीचे में अचानक आग भड़क उठी और बढ़ते हुए देर न लगी। आग बढ़ता हुआ मैदान स्थित बगीचे में अचानक आग भड़क उठी और बढ़ते हुए देर न लगी। आग बढ़ता देख गैस बांट रहे कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए और आनंद फानंद में घरों से बाल्टी और बोतलों में पानी भरकर आग पर काबू पाया। यदि आग नजदीक में रखे रबर टायरों को पकड़ लेती तो नजदीक रखे भरे सिलेंडरों में पहुंचने में ज्यादा वक्त ना लगता और वहां एक बड़ा हादसा होने की संभावना थी। गैस वितरण कर्मचारियों की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई, क्योंकि वहां अग्निशमन यंत्र नजदीक ही नहीं रखा था और अभी एक सैकड़ा भरे सिलेंडर रखे थे। पेट्रोलियम कंपनी के नियमों के मुताबिक गैस डिलीवरी में लगे वाहनों में सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर अग्निशमन यंत्र लगना अनिवार्य है, लेकिन जिले में होम डिलीवरी वाहनों के रूप में चल रहे गैस एजेंसियों के वाहनों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। इतना ही नहीं, सिलेंडर की डिलीवरी के समय एजेंसी का वाहन धूप में खड़े होकर वितरण किया जाता है। जानकारी के मुताबिक खाद्य विभाग अधिकारी एजेंसी पर समय समय पर निरीक्षण करते हैं, लेकिन उनको हमेशा एजेंसी पर नियम कानून का पालन होता दिखाई पड़ता है, जिसके कारण संचालक उपभोक्ता अपनी मनमर्जी पर उतारू होते हैं। कुछ निर्देश ऐसे हैं जिन्हें लागू करना बहुत ही अनिवार्य है। रसोई गैस की आपूर्ति तुरंत चाहिए। रसोई गैस सिलेंडर के वितरण के दौरान तेज धूप में ना खड़ा किया जाए। गैस सिलेंडर के वितरण के दौरान आसपास आग जलने पर भी ध्यान देना चाहिए। सिलेंडर में लीकेज की जांच करके ही उसे उपभोक्ताओं को दिया जाए। बांदा से संवाददाता उमेश यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रामलाल। कहाँ रहते हैं? शंभू नगर में। अच्छा, ये क्या मामला है, कैसे आग लग गई यहाँ पर? ये सफाई वालों ने किया होगा, उन्होंने लगा दिया उस समय। कितनी बिकराल हो गई, कहाँ कहाँ पहुँच गई है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गैस वितरण सिलेंडर बांट रहे हैं। क्या सुविधा दी गई है आपको यहाँ पे सिलेंडर बांटने के दौरान यदि आग लग जाए तो? वो बुझा तो रहे हैं आग। वो तो बाल्टियों से पानी द्वारा बुझाई जा रही है। आपके पास क्या है, क्या एजेंसी मालिक ने दिया आपको? बोतल दिया, बोतल बंद निकाल रहे हैं। बोतलों से बुझाएंगे आग? यदि आग कोई भयानक रूप ले ले तो क्या बोतलों से बुझाई जाएगी आग? क्या उपकरण यहाँ मौजूद कराए गए हैं?
नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ विजय यादव। मेरठ जली कोठी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि के बाद सील करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम व पुलिस पर दरी वाली मस्जिद के सामने गली से पथराव कर दिया। पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट और एसओ देहरी गेट घायल हो गए हैं। पुलिस पर पथराव की सूचना से प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर कई थानों का फोर्स और आरएफ को भी बुला लिया गया है। पथराव इतना जबरदस्त था कि एक बार की तो पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। पूरा इलाका उपद्रवियों के हवाले हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों को दूर तक दौड़ाकर पथराव किया। देखिए मेरठ की खास रिपोर्ट।